वंदन किया, प्रणाम किया सुदामा को। सुदामा ने उठा लिया, गोविंद उठ गोविंद। देखते हैं सुदामा की ओर, तू कहां था? तू द्वारिका क्यों नहीं आ गया? सुदामा मौन, एक शब्द बोलता नहीं, देखता है सब। राजप्रसाद वैभव, राजभवन के लोग देखते हैं ये कौन अतिथि है, लेकर गए सुदामा को, ले जाकर सिंहासन पर बैठाया। नीचे बैठ गए खुद, देखा सुदामा जी के चरणों को, रक्त बहता है, कांटे लगे हुए हैं, सुदामा के चरण पकड़कर एक एक कांटा गोविंद हाथ से निकालने लगे, एक एक कांटा निकालते। और कुछ कांटे तो ऐसे हैं जो चरण में लगे थे लेकिन टूट गए थे, उन कांटों को जब देखते हैं ट्रस्ट, रुक्मणी जी को कहते हैं कि रुक्मणी कुछ कांटे तो हाथ से निकाल पा रहा हूं, कुछ टूट गए हैं, उन्हें निकालने के लिए एक सुई मंगाओ। जब तक रुक्मणी दौड़ी और सुई लेकर आए, तब तक तो कृष्ण ने सुदामा के चरण के कांटे को अपने दंत के अग्रभाग से पकड़कर खींचकर निकाल दिया। एक एक कांटा निकाल रहे और कृष्ण कहते हैं कहा था अभी तक? द्वारिका क्यों नहीं आ गया? सुदामा मौन बैठा है। जो जल पारात में लाए थे सुदामा के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए, उस जल को तो गोविंद ने छुआ भी नहीं, अपने हाथ से, अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र अलंकार सब पहनाए, बैठाया है भोजन के लिए। स्वर्ण के थाल में 56 भोग सुदामा के सामने रखे, ब्रह्मा अर्पण करके पहला ग्रास लेने गया तो हाथ रुक गया, सोचने लगा। भूख से बिलखते हुए सुदामा के छोटे छोटे बच्चों का वो चित्र कहीं मानस में सजीव हो गया कि मैं यहां द्वारिका के राजप्रसाद में स्वर्ण थाल में 56 भोग, पता नहीं मेरे बच्चों ने खाया है या नहीं। भोजन किया, विश्राम करने गए,
कृष्ण आए रात्रि में। बहुत सारी बातें कृष्ण ने की। सुदामा याद है वो उज्जैनी का संदीपनी आश्रम, हम वहां पढ़ा करते थे बबे, वहां से हम अलग हुए तब से आज ही भेंट हुई। सुदामा कहता है गोविंद तुम्हें याद है गुरु मां ने चने दिए थे, हम लकड़ी बीनने गए थे जंगल, रात्रि हो गई वर्षा होने लगी, हम सुदामा एक ही पेड़ पर बैठे थे, हाँ गोविंद हम भीग रहे थे गोविंद, और मुझे भूख लगी ना तो मैंने तेरे हिस्से के चने भी खा लिए थे, मेरे दांत बजते थे ना तो तेने पूछा कि सुदामा तू क्या खाता है, मैंने कहा मैं खाता नहीं सर्दी से मेरे दांत बजते, मैं तेरे हिस्से के चने भी खा लिए। सुदामा ने कहा कि फिर रात्रि में गुरुदेव ढूंढने आए थे हमें, पता नहीं उज्जैन के कुछ लोग बैठे हों तो, लेकिन आप सब बाहर से आए हैं इसलिए आपको निवेदन करूं संदीपनी ने कान्हा कहकर जहां आवाज लगाई थी वो स्थान एक गांव में बदल गया है, उसका नाम कालूहेड़ा हो गया है, कालूखेड़ा। अपभ्रंश हुआ है धीरे धीरे साहब, और वहां जब कोई उत्तर नहीं आया तो आगे जाकर अब बिहारी कहकर जब पुकारा तो उस गांव का नाम बिहारिया हुआ है। और उस घोर निर्जन वन में रात्रि के उस अंधकार में यह है सदगुरु जिसकी चर्चा आप सुन रहे हैं। कैसा हो सदगुरु? कुछ संदीपनी जैसा हो साहब, उन बच्चों को ढूंढते ढूंढते जब घोर जंगल में संदीपनी पहुंचे, वहां जाकर संदीपनी ने पुकारा नारायण, वो गांव नारायण नारायणा के नाम से आज तक प्रसिद्ध है, वहां कृष्ण मिले। चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सुदामा सोचते हैं कि जिस लिए सुशीला ने भेजा है वो चर्चा तो गोविंद करता ही नहीं। फिर मन ही मन सोचते हैं कि आगे रहकर कुछ देगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। कैसे मांगेगा? मेरे राष्ट्र का संत है सुदामा साहब, मांग नहीं सकता, याचक नहीं है वो।